डैडी अवनी और आज मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे करते हैं अपना मेकओवर। आंखों में चमकीला आई शेडो लगाएं और फिर लाल लिप लाइनर से चेहरे पर छोटे छोटे स्पॉट्स बनाएं और लीजिए हो गया आपका मरीजों वाला मेकओवर। भगवान अवनी, ये क्या किया? खूबसूरत चेहरे का होलिया क्यों बिगाड़ लिया? अच्छी भली सूरत पर ये 56 टिकली क्यों लगा ली? भला ये कौन सा मेकओवर हुआ? भाई इसे कहते हैं चकमा देने वाला मेकओवर और ये मेकओवर अवनी ने किया है नील से छिपने के। वैसे नील की नजरों से भले ही अवनी बच गई हो लेकिन आज वो मिताली की नजरों के सामने बढ़ ही गई और पलक झपकते ही मिताली ने अवनी को पहचान भी लिया। बस फिर क्या था, सुना दी मिताली ने अवनी को खरी खोटी। कि क्यों 10 साल से वो खेल रही है नील के साथ ये आंख मिचौली का खेल, क्यों जिंदा होकर भी वो कर रही है मरे होने का नाटक। शब्दों से आखिरकार अवनी के सब्र का बांध टूट पड़ा और रो रो कर उन्होंने कर दिया अपना हाले दिल मिताली के सामने बयां कि क्यों नील और उसके परिवार को बचाने के लिए अवनी ने जीते जी अपने आप को डुबा दिया गुमनामी के अंधेरे में। कोई बात नहीं अवनी, अब आपकी इस रात की सुबह जल्द होने को है क्योंकि सारा सच जानने के बाद अब मिताली जल्द से जल्द कराएंगी आपका और नील का मिलन।